हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मई के महीने में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि हमारे जो प्लांटर हैं उनकी मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीग चुकी है। तो ज़्यादा मिट्टी भीगने की वजह से आप देख सकते हैं ये हमारा रात रानी का प्लांट है और इसकी सारी पत्तियाँ जो हैं ये आप देख सकते हैं जितनी भी इस प्लांट में पत्तियाँ लगी थी वो सभी इस प्लांट से पत्तियाँ झड़ चुकी हैं। आप देख सकते हैं पूरे प्लांट में एक भी पत्ती आपको नहीं दिखेगी। तो ये ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से ये हमारा प्लांट जो है इस तरह का हो गया है, इसमें एक भी पत्ती नहीं लगी है। ऐसी जगह पर अगर आपके पॉट रखे हैं जहाँ पर धूप नहीं आती है तो आपके जो प्लांट हैं उन आपके प्लांट की जो मिट्टी है उसमें फंगस लग सकता है, जिस कारण आपका प्लांट भी ख़राब हो सकता है, प्लांट में भी फंगस लग सकता है। अगर बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी है तो अभी आप गुड़ाई ना करें, जब हल्की सी मिट्टी टाइट हो जाए तो उसके बाद आप इसकी गुड़ाई कर देंगे मिट्टी की। तो मिट्टी की गुड़ाई करने से क्या होता है कि मिट्टी जो है वो जल्दी सूखने लगती है। तो ज़्यादा दिनों तक मिट्टी गीली ना रहे, तो हल्की सी मिट्टी टाइट हो जाए तो इसकी गुड़ाई ज़रूर कर दें। तो गुड़ाई करेंगे तो अब मिट्टी जल्दी सूख जाएगी। और अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो उसमें आप हल्दी पाउडर का छिड़काव कर दें। तो इससे अगर आपके गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो जब गीली मिट्टी हो तो गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। गीली मिट्टी में अगर आप गुड़ाई करेंगे तो आपका जो प्लांट है उसकी जड़ें कट सकती हैं, टूट सकती हैं, जिस कारण आपका जो प्लांट है वो सूख सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि ज़्यादा गीली मिट्टी में गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। जब हल्की सी मिट्टी टाइट हो जाए, जब थोड़ी सी मिट्टी टाइट हो जाए तब उसके बाद ही हमें गुड़ाई करनी चाहिए, और बहुत हल्की हल्की सी ऊपर आधा से एक इंच ही गुड़ाई करनी चाहिए। तो जब हम गुड़ाई कर देंगे तो हमारे जो गमले की मिट्टी है वो जल्दी सूखने लगेगी, जिससे हमारा जो प्लांट है वो ख़राब नहीं होगा, उस पर किसी भी तरह का कोई फंगस का अटैक नहीं होगा। तो आप अभी देख सकते हैं सभी प्लांट हमारे हेल्दी हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।